बीसीसीआई ने घरेलू सत्र की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। अगले साल जनवरी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसके लिए सभी राज्य ने अपनी संभावित खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। युवराज सिंह ने पंजाब के 30 संभावित खिलाड़ियों में अपनी जगह बना ली है। वहीं श्रीसंत का नाम केरल के 26 सदस्यों संभावित टीम में चुना गया। अब इस टूर्नामेंट के लिए तमिलनाडु के 26 संभावित खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल में केकेआर के कप्तान रह चुके दिनेश कार्तिक इस वक्त टीम इंडिया से बाहर हैं। आईपीएल के 13वें सीरीज में कार्तिक ने टीम की लगातार हार और बल्लेबाजी में खराब फॉर्म के चलते केकेआर की कप्तानी छोड़ी थी। अब यह खिलाड़ी मैदान पर वापसी के लिए तैयार है। भारतीय टीम से बाहर दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, विजय शंकर को अगले महीने होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु के 26 संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। बल्लेबाज के बी अरुण कार्तिक, मध्य क्रम के तेज गेंदबाज संदीप वारियर के नाम भी तमिलनाडु क्रिकेट संघ द्वारा जारी किया गया है। भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आर अश्विन, वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन टीम में नहीं है।